दिन आते हैं मेरे पीर मुर्शिद की यहाँ पे हाजिरी देने, तो उनका रास्ता थोड़ा वो एक छोटी सी पहाड़ी गिर चुकी थी, तो हमने अभी वो मशीन जैसी भी मशीन मैं तो मेरा अजय भरा असी दरबार आप सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैं अपने पीर मुर्शिद की दरगाह पर खड़ा हूं, तो यहां पर भी 3-4 दिनों की बारिश में लैंडस्लाइड हो चुका था। जो मेन रास्ता है संगतों का आने का, जो ज़ायरीन आते हैं मेरे पीर मुर्शिद की यहां पे हाजिरी देने, तो उनका रास्ता थोड़ा वो एक छोटी सी पहाड़ी गिर चुकी थी, तो हमने अभी वो मशीन जैसी भी मशीन बुलवाई है, तो वो रास्ता क्लियर करेंगे हम। तो उसकी वीडियो हम अभी नीचे जाके दिखाएंगे आपको, उस जो मेरे पीछे जंगल है नीचे, वो पीछे जंगल है जो उस तरफ है वो रास्ता, तो मैं वहाँ की वीडियो बना के भी दिखाता हूँ नेक्स्ट। वो जेसीबी मिट्टी भर के लेके आ रही है और वो खड्डे में डालेगी अब। देखिए हमने यहाँ पर मलबा गिरवा दिया है, यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो चुका था नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे ये ऊपर जेसीबी मशीन लगा रखी है वो ऊपर। ये हमारे अजय कुमार जी हैं जो यहाँ के गद्दी के देखरेख करते हैं, ये हमारे बाबा जी हैं, ये भी यहाँ पे सेवादार हैं यहाँ के, तो वो मशीन लग रखी है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे अब वो मलबा भर के लेके आएगी और यहाँ पे डालेगी, तो यहाँ पे थोड़ा भरपाई हो जाएगी यहाँ पर। हम रात को जंगल में मेरे पीरो मुर्शिद की दरगाह पर, ये रास्ता ख़राब हो चुका था, लैंडस्लाइड हो चुका था यहाँ पर, तो ये रास्ता हम क्लियर करवा रहे हैं ताकि जो ज़ायरीन आते हैं वो रास्ता साफ़ हो, उनको कोई आने में दिक्कत ना हो। ये जेसीबी से हम रास्ता ठीक करवा रहे हैं और यहाँ पे गड्ढा पड़ चुका था, ये गड्ढा भरवा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है, तो उस वजह से ये गड्ढा बन चुका है। बाबा जी